हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एवरेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट। टुडे वी विल डिस्कस क्लास 12th इकोनॉमिक्स। बेटा हम अपना इसका इकोनॉमिक का चैप्टर हमारा चल रहा है, गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी। यही चैप्टर की सीरीज़ हमको हम आज आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अभी हम इसमें बजट एक्सपेंडिचर डिस्कस कर रहे थे, जिसमें मैं उसको प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर के टू बेसिस पे उसने क्लासीफाई करता है। तो एक जो है प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर हम डिस्कस कर चुके हैं, और अब हम आज देखते हैं आगे का डिस्कस करते हैं। सेकेंड वे ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ बजट एक्सपेंडिचर इज टू क्लासीफाई इट इन टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड इनकम एक्सपेंडिचर, राइट। एक हमने प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बजट एक्सपेंडिचर को जब हम ऐसे क्लासिफाई करते हैं। और दूसरा वे है जिसमें हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और इनकम एक्सपेंडिचर में क्लासिफाई करते हैं। जैसे हमने बजट रिसीट्स हमने क्लासिफाई की थी, रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स, इन द सेम वे ये हम डिस्कस करेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो चलो शुरू करते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है बेटा? आप रिकॉल करो, आपने कैपिटल रेवेन्यू रिसीट्स हमने की थी। रेवेन्यू रिसीट्स में जब हमने डिस्कस की थी, हमने उसमें यही पढ़ा था कि वो वहाँ से इनकम आती है, सोर्स ऑफ रिसीट्स हैं गवर्नमेंट के, जिससे ना तो हमारी लाइबिलिटी के ऊपर कोई फ़र्क पड़ता है और ना हमारी एसेट के ऊपर फ़र्क पड़ता है। इन द सेम वे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी उसी तरह से है। इसमें हमने बस रिसीट्स की जगह एक्सपेंस लेना है। ये सारे गवर्नमेंट के वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं जिसमें ना तो कोई एसेट क्रिएट किया जाता है, क्योंकि हम जब खर्चा करते हैं तभी एसेट खरीदते हैं ना, पर वो रेवेन्यू रिसीट नहीं होगी अगर एसेट खरीदेंगे, और ना वो कोई लाइबिलिटी को रिड्यूस करता है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज दैट एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट विच शोज द फॉलोइंग टू फीचर्स: डू नॉट क्रिएट एनी एसेट, डू नॉट रिड्यूस एनी लाइबिलिटी। ना तो हमारा एसेट बनता है इससे और ना हमारी लाइबिलिटी रिड्यूस होती है, ठीक है। ये हमारी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब डिस्कस करते हैं हम जो इसमें इम्पॉर्टेंट आइटम्स हैं जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आती हैं, वो देखते हैं कौन कौन से ऐसे खर्चे हैं जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हमारे आते हैं। गवर्नमेंट जो कौन कौन से खर्चे करते हैं जिससे ना तो हमारा एसेट बनता है ना हमारी लाइबिलिटी रिड्यूस होती है। अब ये देखो, वेज बिल ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने अगर वेज बिल देना है तो उसमें कोई हमारा एसेट नहीं क्रिएट होता, कोई हमारी लाइबिलिटी नहीं रिड्यूस होती गवर्नमेंट की। डिफेंस परचेज कोई कर रहा है, ना तो कोई एसेट बन रहा है ना उनकी लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है। एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडीज, गरीब लोगों को कोई फूड ग्रेन्स के लिए या ये LPG सिलेंडर्स के लिए किसी चीज़ के लिए अगर सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से, उसके ऊपर अगर कोई खर्चा हो रहा है, दैट इज़ अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बिकॉज इट डज़ नॉट क्रिएट एनी एसेट एंड इट डज़ नॉट रिड्यूस एनी गवर्नमेंट्स लाइबिलिटी, ठीक है। कोई इंटरेस्ट पेमेंट है या ग्रांट्स गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट और द यूनियन टेरेटरीज, अगर सेंटर कोई भी ग्रांट देती है स्टेट गवर्नमेंट को या यूनियन टेरिटरीज को, तो वो ग्रांट जो है हमारी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगी। एक बात पर आप ध्यान में रखना, ये जब सेंटर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या कोई यूनियन टेरिटरी को ग्रांट देती है, और उस ग्रांट से अगर जिनको जौन से स्टेट्स को या यूनियन टेरिटरीज को जो ग्रांट मिल रही है, उस ग्रांट से अगर वो कोई एसेट क्रिएट करते हैं, इवन दो वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का माना जाएगा, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं माना जाएगा, ठीक है। नाउ कम्स कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर आते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का जिसके बीच में या तो हम एसेट बनाते हैं, एसेट हमारा खरीद रहे हैं या एसेट हमारा क्रिएट हो रहा है, बन रहा है, या हमारी गवर्नमेंट की लाइबिलिटी जो है वो रिड्यूस हो रही है। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर इज दैट एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट विच शोज द फॉलोइंग टू फीचर्स: क्रिएट एसेट्स, रिड्यूस लाइबिलिटी। या तो हमारा हम एसेट खरीदे क्योंकि हम खर्चा कर रहे हैं ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर तभी होता है ना कि जब हम कोई ना कोई हम भारी चीज़, बड़ी चीज़
खरीद रहे हैं, तो गवर्नमेंट अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है तो या तो उसे एसेट खरीदती है और बनता है, या उसे लाइबिलिटी गवर्नमेंट की रिड्यूस होती है, राइट। अब इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं जो कैपिटल एक्सपेंडिचर की हेडिंग में आती हैं? जैसे देखो, कोई एक्सपेंडिचर लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर गवर्नमेंट ने किया, या मशीनरी प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट के ऊपर गवर्नमेंट ने किया, या गवर्नमेंट ने शेयर्स परचेज की है, स्टेक ले रहा है गवर्नमेंट अपना तो उसको पब्लिक सेक्टर में डाल रहा है, या लोन दे रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को या स्टेट कॉरपोरेशंस को। देखो, अगर वो ग्रांट देता है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट कॉरपोरेशन को, अगर ग्रांट देती है तो वो ग्रांट हमारी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगी, और अगर लोन देती है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को या स्टेट कॉरपोरेशन को, तो वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर आएगा, क्योंकि वो हमारा एक दिन रीपे करना पड़ेगा। आपके जो आपसे लोन ले रहे हैं वो उनको सेंट्रल गवर्नमेंट को वापस रीपे करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये देखो, मैंने आपको प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर एक्सप्लेन किया, आपको रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पे मैंने इस स्लाइड में आपको यही शो करने की कोशिश की है, जो बजट एक्सपेंडिचर है, अगर आप उसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर को प्लस करोगे, या बजट एक्सपेंडिचर में अगर आप प्लान एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर को प्लस करोगे, तब ये दोनों का आंसर सेम आएगा, तो बजट एक्सपेंडिचर ही बनता है। आपने एक बात ध्यान रखनी है, चारों चीज़ों को प्लस नहीं करना है। या तो आप पहला मेथड लो रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला, या आप प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर वाला मेथड लो, जौन सा मर्जी मेथड लो, आंसर आपका सेम आएगा, बजट एक्सपेंडिचर ही आएगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज वीडियो। इफ़ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी, यू आर मोस्ट वेलकम टू गिव योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।